आपने इस टोयोटा इनोवा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसने कुछ ही महीनों पहले अपने ओडोमीटर पे 10 लाख किलोमीटर रजिस्टर करे। या फिर इस पोलिस के बारे में, जिसने अपने ओडोमीटर पे 8,22,000 किलोमीटर रजिस्टर करे। और अभी भी इन दोनों गाड़ियों को सिर्फ रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। पर अगर ये भी कम था तो अगर आप ISIS को देखेंगे तो उनके पास आपको सिर्फ टोयोटा की हाइलक्स या फिर टकोमा, जो कि उनके पिकअप ट्रक्स थे पुराने, वही आपको मिलेंगे आज के टाइम में भी। पर ISIS से वापस आते हुए, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कुछ लोगों ने 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर जैसे नंबर्स अचीव करे हैं अपनी टोयोटास में, और अभी भी उनको सिर्फ रेगुलर सर्विसिंग की ही जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में जहाँ पे लोगों के गाड़ियों में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ओवरहीटिंग के इश्यूज हैं, फायर लग रही है गाड़ियों में, उस टाइम पे टोयोटास जस्ट वर्क। कोई भी उनमें आपको आसानी से प्रॉब्लम देखने को मिलती ही नहीं है। पर ऐसा है ही क्यों? क्यों टोयोटास इतनी ज्यादा रिलायबल है? और आज की वीडियो में हम 3 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे टोयोटा की गाड़ियां इतनी ज्यादा रिलायबल होती हैं एज कम्पेयर टू उनके जो कॉम्पिटिशन है। और इसमें उनकी फिलोसफी का काफी ज्यादा बड़ा रोल है। उनकी फिलोसफी काफी ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोपियंस या फिर इंडियंस या फिर कोरियंस, और इसी की वजह से वो दुनिया की सबसे ज्यादा रिलायबल गाड़ियों में से एक बना पाते हैं। और इन चीजों को आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप उतने ही डिपेंडेबल बन सकते हैं जितनी एक इनोवा होती है। टोयोटा की सक्सेस के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, पर जो एक मेजर रीजन है वो है कि उनकी फिलॉसफी, उनके डिजाइन या फिर प्रोडक्शन को लेके वो काफी ज्यादा अलग है एज कम्पेयर टू दूसरे मैन्युफैक्चरर। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का है या फिर TPS का है, वो है जिडोका, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें जापानी से तो इसका मतलब होता है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच। तो ये जो जिडोका है ये कैसे काम करता है, मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ। तो एक गाड़ी को बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका डिज़ाइन बनाना, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एक गाड़ी में अराउंड 30,000 कॉम्पोनेंट्स के आसपास होते हैं। तो हर एक जो इसका पार्ट होता है, हर एक वो हैंड बिल्ड शुरू होता है उनके R&D सेंटर के अंदर, और वो तब तक वो पूरी गाड़ी बनाते हैं जब तक हर एक चीज फाइनली परफेक्टली कंप्लीट हो जाए, और तभी वो जो फुल प्रोडक्शन लाइन होता है उसका पार्ट बनता है। अब जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं बिल्कुल शुरुआत से ही। अब जो टोयोटा का सिस्टम है वो डेफिनेटली टोटली अग्रीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू जो ऑटोमेटेड सिस्टम है। पर इससे ये एक कंफर्मेशन हो जाता है कि जो हर एक कंपोनेंट यूज़ हो रहा है गाड़ी में, जो 30,000 कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं गाड़ी में, उनमें से हर एक प्रॉपरली फंक्शनल है, बढ़िया तरीके से काम करता है, फिट करता है पूरी गाड़ी के साथ। और इस अटेंशन टू डिटेल की वजह से उनकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और ऑफ कोर्स टोयोटा ये सिर्फ अपने नए पार्ट्स के साथ करता है, और इसी वजह से आपको एक काफ़ी देखने को मिलेगा, इंडिया में तो नहीं पर बाहर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि कई सारी टोयोटा की गाड़ियों में सेम तरीके के आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से काफ़ी सारे वो ऑप्शंस या फिर कस्टमाइजेशन ऑफर नहीं करते, क्योंकि अगर कस्टमाइजेशन ऑफर करेंगे तो नए पार्ट्स और उनकी दोबारा से इसी तरीके से R&D करनी पड़ेगी ग्राउंड्स अप, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा एंड अपेरेंटली गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाएगी। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया में तो वैसे काफ़ी कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल था जो टोयोटा का 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन था, वो उनकी फॉर्च्यूनर और इनोवा दोनों में आया करता था, पर अब ऑफकोर्स वो नहीं आता इनोवा में, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। पर ग्लोबली उनके काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनमें उनका V6 इंजन आता था, जो कि उनका 2GRFE इंजन था, जो कि उनकी कैमरी में आया, एवलॉन में आया, RAV4 में आया, सियना में आया, वेंजा में आया, लेक्सस RX 350 में आया, लोटस एक्सीज S में आया, और ऑफकोर्स करोला सुपर GT में आया। भाई वो रेस कार है एक, बाकी कंपनीज भी पार्ट शेयरिंग करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो पाए, पर टोयोटा की पार्ट शेयरिंग थोड़ी सी अलग है, जिससे कि उनको R&D पे कम टाइम लगाना पड़े। पर अगर आप देखना चाहते हैं कि टोयोटा एक ग्राउंड अप कार बिल्ड करे जीरो से, वो भी लिमिटेड एडिशन, तो आप लेक्सस LFA को देखिए। हाँ, ये कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाइपर स्पोर्ट्स कार तो नहीं है, बट रिलायबिलिटी के टर्म्स में टोयोटा और लेक्सस का नाम ऊंचा करके तो आती है। अब जो सेकेंड फिलोसफी है वो है काइजन, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। अब इस आइडिया के हिसाब से आप किसी भी काम को बेटर कर सकते हो या उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्लो डाउन। आई नो ये काफ़ी चीज़ी साउंड करेगा, बट ऐसा ही है, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो एक प्रोडक्शन लाइन है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई फॉल्ट आ रहा है,
और किसी एम्प्लॉय ने वो देख लिया, तो अब वो जो एम्प्लॉय है वो उस प्रोडक्शन लाइन को वहीं के वहीं स्टॉप कर सकता है। टोयोटा वाले कुछ नहीं बोलेंगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर वो उस प्रोडक्शन लाइन में जो भी नेसेसिटी चेंजेस हैं, जो भी उसको बेटर करा जा सकता है वो कर सकता है, एंड देन प्रोडक्शन दोबारा रीस्टार्ट करी जाएगी। और टोयोटा वाले इवन प्रमोट करते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जिसमें कि उनका कहना है कि सपोज आपको एक काम एक पर्टिकुलर डेडलाइन पे देना है और आपने सपोज उससे पहले वो काम कर लिया है, तो जो आपके पास टाइम बचा था आप उसको उस काम को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, पर आपने नहीं करा, तो अब वो काम कंपैरेटिवली एक कम लेवल पे हुआ होगा। और उनके हिसाब से किसी भी काम को जल्दी फिनिश करना एक काफ़ी बुरी बिजनेस प्रैक्टिस भी है। बाकी के जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपनी प्रोग्रेस को जज ऐसे करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर महीने में कितनी गाड़ियों को बना पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुंडई वाले ये चाहते हैं कि आप वो काम टाइम पे करो, टोयोटा वाले ये चाहते हैं कि आप वो काम सही से करो, बढ़िया तरीके से करो। यही डिफरेंस है। टोयोटा की जो प्रोडक्शन लाइन है वो नॉर्मली 200 टाइम्स ज़्यादा स्टॉप होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार मैन्युफैक्चरर। ये वैसे 2000 के टाइम का डेटा है, ये आज के टाइम पे मे बी रेलिवेंट हो, मे बी ना हो, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ अपने चाहे तो भी मैं थोड़ा बहुत काइज़न यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि चाहे ये वीडियो कितने भी पहले कंप्लीट हो जाए, वैसे तो नहीं हो पाती, तो जिस दिन वीडियो आएगी उससे मे बी 2 घंटे पहले भी मैं एडिट कर रहा। और काइज़न प्रैक्टिस करने से एक और फ़ायदा ये होता है कंपनी को कि जो उनके फॉल्ट्स होते हैं गाड़ियों में वो पहले ही वो कैच कर लेते हैं रादर देन जब वो मार्केट में जाएं, और इससे जो उनकी रिकॉल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी और मैन्युफैक्चरर। काइज़न एक इतनी ज़्यादा प्रूवन मेंटली प्रैक्टिस है कि बाकी सारी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल GM, फोर्ड, ये सब भी इस प्रैक्टिस को अपनी प्रोडक्शन में इंक्लूड करने की सोच रहे हैं। ऑफकोर्स टोयोटा के लेवल की तो नहीं, पर हाँ काफ़ी टूक्स के बाद। 1946 में जापान में जो लेबर राइट्स थे, जो उनके यूनियन के राइट्स थे, वो रिफॉर्म हुए थे, वो चेंज हुए थे। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, डिप्रेशन चल रहा था जापान में, ऑफ कोर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो टोयोटा ने भी अपने 1/4 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया था, निकाल दिया था कंपनी से बेसिकली। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग जो लोग थे उनको उनके पद के हिसाब से बेसिकली नहीं दी थी सैलरी, रादर देन जो उनकी एज थी उस हिसाब से उनको सैलरी स्ट्रक्चर अपॉइंट करा गया था कि मान लो जो 30 साल का है उसको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, जो उससे कम है उसको कम, उस हिसाब से था। तो वो एक तरीके से परमानेंट बन गए अपनी कंपनी के लिए, और अगर वो उस कंपनी को छोड़ते तो दूसरी कंपनी में उनको 1/4 इनकम पे रखा जाता, तो वो टेक्निकली उस कंपनी के ही बन गए थे। तो जो लोग टोयोटा में काम करते थे तो वो टोयोटा में ही काम करा उन्होंने अपने 30 साल 40 साल जितनी भी उनकी रिटायरमेंट एज थी। और इस वजह से जो वर्कर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए, और ये काफ़ी मेजर रीज़न है कि टोयोटा की गाड़ियाँ इतनी रिलायबल होती है। अब ये सब मैनेजमेंट फिलोसफी स्टफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुनने में, पर इसका एक मेजर ड्रॉबैक है परफॉर्मेंस। टोयोटा की सारी गाड़ियाँ परफॉर्मेंस ड्रिवन तो है नहीं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ फल्टू ड्राइव तो हैं, पर कितने लोग हैं जो ये आर्ग्यू करेंगे कि वो फास्ट हैं। जो सबसे रीसेंट जनरेशन है सुपरा की, वो बनी है BMW के कोलैबोरेशन के साथ। कितने लोगों को पता है टोयोटा ने कभी भी परफॉर्मेंस नंबर्स को चेज नहीं करा। आई मीन द लेजेंड मार्क 4 सुपरा, जो जानी जाती है अपनी परफॉर्मेंस को होल्ड करने के लिए, उसमें आप कितनी हॉर्स पावर डाल दो, 1000 हॉर्स पावर तो भी वो आराम से चल जाती है। पर स्टॉक, हाँ उनके पास खुद का रेसिंग डिपार्टमेंट है, TRD, टोयोटा रेसिंग डिपार्टमेंट, एंड हाँ अब उनके पास GR भी है, विच इज कज़ू रेसिंग, और हाँ वो काफी सारे सक्सेसफुल गाड़ियां बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, रेस कार्स बनाते हैं, पर जो सारे मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं क्या आप उनको फास्ट कंसिडर करोगे? और इस सब का आप क्रेडिट दे सकते हो उनकी फिलोसफी बहुत है इस वीडियो में, इस सब का क्रेडिट आप दे सकते हो उनकी फिलोसफी प्रैक्टिकलिटी ओवर परफॉर्मेंस को, जिसमें कि उनका कहना ये है कि जो मोस्ट टोयोटास होती हैं वो बनाई जाती हैं लॉन्ग टर्म चीप ओनरशिप के लिए। आपने सुना होगा कि अभी भी एक फॉर्चुनर की सर्विस कॉस्ट इतनी कम है, उसी चीज़ के लिए टोयोटास बनाई जाती हैं, राइट? और इस सब के ऊपर टोयोटा की जो गाड़ियों की लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वो काफ़ी सटल चेंजेस करते हैं ओवर द टाइम। जो अभी फॉर्चुनर आती है वो 2016 में आई थी और अभी 2023 चल रहा है, और वो धीरे धीरे चेंजेस करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग इंजन्स को ही बेटर करते हैं, क्योंकि जो पहले से ही चीज़ अच्छी है उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत।
सिंपल लॉजिक। और इस सब की वजह से जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, 10 लाख वाली इनोवा, 8.5 लाख वाली क्वालिस और बाकी की जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ हैं जो अभी भी चल रही हैं, एक मेजर रीज़न ये भी है कि इनकी जो रेव लाइन होती है, जो रेड लाइन होती है, वो एक काफ़ी कम आरपीएम पे सेट होती है, जिससे कि जो इंजन है उस पर काफ़ी कम स्ट्रेस पड़ता है ओवर द टाइम और उसकी लाइफ स्पैन बढ़ पाती है। इन गाड़ियों में पावर काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, इसलिए इनकी लाइफ ज़्यादा हो पा रही है। और अगेन ये टोयोटा की उसी फिलॉसफी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकलिटी ओवर परफॉर्मेंस। टोयोटा ने अभी अपना 3.4 लीटर वाला डीजल इंजन दिखाया था जो कि उनकी लैंड क्रूजर और लेक्सस एलएक्स में, इसका प्राइस इससे डबल है, सेम इंजन डबल प्राइस। देयर लाइक स्क्रू इट, हमने इतना बढ़िया इंजन बनाया, हम सारी गाड़ी में डाल देंगे। सो टोयोटा इज लाइक, हाँ अब हमने एक चीज नेल कर ली है विच इज रिलायबिलिटी, एंड नाउ वो फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। उन्होंने लास्ट कुछ सालों में लमांस 2 बार जीती है, WRC 1 बार जीती है, उन्होंने अपनी GR यारिस को अनवील करा था अभी, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में नहीं आएगी, जो कि एक इतनी ज्यादा बढ़िया स्पोर्टी हैचबैक है जिसमें आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं मिलती, आपको परफॉर्मेंस मिलती है, और रिलायबिलिटी अब एक तरीके से उनके खून में आ चुका है, तो अब वो परफॉर्मेंस को भी अपने उसमें खून में लाना चाह, काफी बड़े सिस्टम उन्होंने कर दिया है। तो अब आपको सब कुछ मिलेगा एक टोयोटा में, एक लेक्सस में। और फिलॉसफी करते करते हम पहुंच चुके हैं एंड पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना।